बोले विष्णु भगवान की जय, बोले लक्ष्मीपति नारायण की जय। प्रिय भक्तों, कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत सुनाई जाने वाली कथाओं में छठा अध्याय आरंभ करते हैं और सुनाते हैं आपको छठे अध्याय की कथा, जो है कार्तिक मास में व्रत अर्घ व स्नान की महिमा। तो स्नेह के साथ, आदर के साथ बोलिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारायण बोलिए, नारायण। दो बार नारायण बोलिए, नारायण नारायण। तीन बार महर्षि नारद की तरह बोलेंगे, भगवान विष्णु को अंतर ध्यान में बसाते हुए, नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाए, कार्तिक महात्म का लिखूं छठा अध्याय। बोले विष्णु भगवान की जय। नारद जी आगे कहते हैं, नारायण नारायण, जब दो घड़ी रात शेष रह जाए, तब तिल कुश अक्षत चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाए। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है, तथा तीर्थ पर स्नान करने से इन सबसे 2 गुना फल हो जाता है। और स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ आचमनीय आदि देवें, नारायण नारायण, और उसके पश्चात अर्घ का ये मंत्र अवश्य पढ़ें, जिसका भावार्थ है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलशाही भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है, मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहां कहीं भगवान विष्णु गए, वहां उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहां पर ऋषि वेद यज्ञों से सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो, नारायण नारायण नारायण। सभी भक्त इसी प्रकार भगवान को अंतर्ध्यान करते हुए मंत्र का उच्चारण करें या श्रवण करें। इसके बाद विष्णु शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री या यति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। सप्तमी अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए, नारायण नारायण। और स्नान करते हुए निम्न शब्द कहने चाहिए, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, आपका कल्याण निश्चित होगा। किस प्रकार से कहना है, नारायण नारायण। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की इंद्र आदि सारे देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें, नारायण नारायण। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ
सातों समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प और सब औषधियां, वे तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। नारायण नारायण। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता ऋषि मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करे और बोले भगवान विष्णु की जय। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करने तथा भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन फूल और फल सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ देवे और ये मंत्र का अर्थ अवश्य गुनगुनाएं या श्रवण करें। कैसे? बोले नारायण नारायण। पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है, हे विष्णु जी राधा जी के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। नारायण नारायण। पश्चात चंदन फूल और तांबूल पान आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग न इनका अपमान करें और न इनके साथ विरोध करें। फिर एकाग्रचित हो भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। किस प्रकार से करना है बोलिएगा मेरे साथ। नारायण नारायण। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है, आप मेरे सब पापों का नाश करो। नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार से सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोले लक्ष्मीपति नारायण की जय। प्रिय भक्तों, इस प्रकार कार्तिक महात्म के अंतर्गत सुनाई जाने वाली छठे अध्याय की कथा कार्तिक मास में व्रत अर्घ व स्नान की महिमा यहां पर समाप्त होती है। तो आइए स्नेह के साथ श्रद्धा के साथ बोलते हैं बोले विष्णु भगवान की जय। नारायण बोलिए नारायण। दो बार नारायण बोलिए नारायण नारायण। तीन बार मेरे साथ देवऋषि नारद की तरह बोलेंगे हृदय में भगवान विष्णु का वास करा के, क्योंकि जब भगवान विष्णु का वास अपने हृदय में आप कराते हैं तो आपकी जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलिए नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। जय जय, 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 जय।